देखिए दोस्तों, टोलटस पहुंच गए हैं। आज हमको टोलटस का बैरियर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब रोकते हैं, इधर साइड में लगाते हैं गाड़ी। प्लानिंग हुआ कि कुछ अलग खाने के लिए अलग बनाएंगे, फुर्सत भी है। अब पापा का काम चालू हो गया, ये देखिए इसको सेकने का अच्छे से। दोस्तों देखिए, आ गया हमारा पंखा होटल। अब तो लग रहा है यही हम लोग का घर हो गया ना। घूम फिर के शाम में आ जाओ घर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में आपसे फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 7 बज रहा है और देख सकते हैं पीछे का जो मेरा नज़ारा है कुहासा का, अभी थोड़ा सा कम हुआ है तो हम लोग नीचे उतरे हैं। और सुबह का 7:30 बजने चला है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कोई गाड़ी भी नहीं चल रहा है क्योंकि जाना रास्ता में रास्ता दिख ही नहीं रहा है एकदम। तो सब गाड़ी वाला अभी गाड़ी में ही अपना सोया हुआ है, कोई जा नहीं रहा। थोड़ा और साफ होगा तभी निकलेगा। और हम लोग का अभी तैयारी है यहाँ से टोल टैक्स जाने का। और वो पिछला लोग बताए थे कि हमको यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है तो हम लोग जाते हैं वहाँ ब्लॉग डालने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, जाते हैं ब्लॉग डाल के फिर आते हैं हम लोग वापस यहीं पे। फिर अपना आज शनिवार हो गया, अगर आज कुछ नहीं होगा तो कल संडे, कल फिर कुछ होना ही नहीं है। तो एक ही बार मंडे का भी हमें देखना पड़ेगा। चलते हैं अभी हम लोग टोल टैक्स में। देख सकते हैं दोस्तों, कुहासा में आगे कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए 7 बज रहा है, गाड़ी वाला सब लाइट जला के रखा है अपना, और कुहासा में हम लोग लाइट जला के ही चलते हैं कि सामने वाला को दिखता है दूर से। लाइट जो है दूर से दिख जाता है कि हाँ कोई गाड़ी आ रहा है सामने से। इसी में एक्सीडेंट होने का ज़्यादा डर रहता है। अगर कोई गाड़ी ब्रेकडाउन खड़ा रोड में तो आदमी स्पीड में जाता तो दिखता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट चालू छोड़ देते हैं। कम से कम लाइट से ये अंदाज़ा लगता है कि हाँ कोई गाड़ी आगे खड़ा है वहाँ। देखिए कितना पते है, उसका गाड़ी का भी लाइट जला के आ रहा है। वो जो समझदार ड्राइवर है वो लाइट चालू ही रखेगा, अभी दूर से दिखाई देगा उसको। देखिए दोस्तों, टोलटस पहुंच गए हैं। आज हमको टोलटस का बैरियर तक नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पर्ची कटता है अभी वो भी नहीं दिख रहा है। अब रोकते हैं, इधर साइड में लगाते हैं गाड़ी, अब यहीं से अपना काम चालू होगा। गाड़ी लगाते हैं, यहीं से अपना नेटवर्क मिलेगा तो फिर निकलेंगे यहाँ पर। कल कितना साफ था, आज देखिए क्या हालत है, इधर तालाब वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है एकदम। तो ठीक है दोस्तों, अभी ब्लॉग अपलोड पे लगा देते हैं। करीब 2 घंटा तो जाएगा अपलोड होने में, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज चुका है और हम लोग अभी टोल टैक्स पे ही खड़े हैं। सामने देख सकते हैं टोल टैक्स है। आज हमारा प्लानिंग हुआ है क्या कि आज तो शनिवार है, मौसम भी अच्छा है, धूप थोड़ा धूप क्या हुआ है। तो प्लानिंग हुआ है कि कुछ अलग खाने के लिए अलग बनाएंगे, फुर्सत भी है, अपना टाइम पे नहीं कट रहा है थोड़ा, तो फुर्सत भी है। तो प्लानिंग हुआ कि रोटी, आलू भर के रोटी और टमाटर का मीठा चटनी, कि गुड़ वगैरह सब गाड़ी में मेरा रखा हुआ है। तो देखिए अभी स्टार्टिंग हो चुका है मेरा, ये सारा चीज कट के रेडी है। और इधर अभी आटा जो है, सागर देखिए आटा सान रहा है और वो मेरा आलू चढ़ाया हुआ है। दोस्तों अब हम लोग आलू भर के रोटी बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए सब कुछ रेडी कर दिए इधर, और इधर अभी पापा उसको क्या करेंगे सेकेंगे, तब तक हम इधर बेल के रखते हैं। आटा भी इधर सान के सब रेडी कर लिए हैं, अब हम बेलते जाएंगे और पापा को देते जाएंगे। दोस्तों देखिए अभी आटा का लोहिया बन रहा है, अब उसको अच्छी तरह से बना करके फिर वो चोखा उसमें डलेगा। ये आलू लेकर डाला जा रहा है, इसको ऊपर से बंद करना है। इसमें आलू में क्या है कि प्याज है, मिर्चा है और नमक है, ये सब दिया हुआ है इसमें। इसको बंद करके अब बेलने में ही इसका कारीगरी है, अगर बेला जाता है बढ़िया से, फटता नहीं है तो ही सही होता है। मेरा तवा भी इधर गर्म हो रहा है, देखिए तेल डाल के रखे हैं। बन गया दोस्तों, इसका साइज देखिए पूरा ऐसा है, इतना ही बड़ा रहेगा। और आलू भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देखिए ये सब चलेगा, इतना तो फट ही जाता थोड़ा बहुत। अब इसको इसमें डालते हैं। अब पापा का काम चालू हो गया, ये देखिए इसको सेकने का अच्छे से। हम तो गोल एकदम ठीक ठाक बना लेते हैं, अब इनका आप देखते हैं सही से सेक पाएंगे कि नहीं। इसे छोलने ये रखे है कलछुल से, इसे चाकू से भी, और ये भी रखे है, ये देखिए इसमें है रिफाइंड है ये, और इसी से अच्छी तरह उलट पलट सेकना है, उसके बाद में तेल लगाना है इसमें, अभी नहीं लगाएंगे। दोस्तों एक साइड से हो गया है, पलट दिए हैं, अभी देखते देखते से लाल लाल हो गया है, लगभग मेरा एक तरफ हो गया, दूसरा तरफ करेंगे, फिर इसमें पलटनिया मारेंगे तो फूल भी जाएगा वो, तेल डालेंगे तो फूल जाएगा। ये फूलता कहाँ है, थोड़ा फूलता कहाँ फूलेगा देखना देखना, थोड़ा सा फूलता है, ज्यादा नहीं फूलता, थोड़ा सा फूलता है ये। दोस्तों देख सकते हैं आलू भर के रोटी मतलब पराठा मेरा एक पीस बन चुका है, और कलर भी कितना अच्छा है, लाल लाल आया एकदम। अभी पूरा पक चुका है, अब इसको हम निकालते हैं। इसी तरह करके और बनाते हैं, मेरा और सब अभी रेडी है। अभी दोस्तों अभी देखिए इतना हम लोग रोटी बना लिए,
ये रहा इतना बन गया है और एक लास्ट बचा हुआ है। ये बनने के चोखा तो हमारा थोड़ा बच गया है, ये देखिए इतना चोखा बच गया है। और इसको कम्प्लीट करने के बाद आप जाएंगे फिर टमाटर का चटनी बनाने के लिए। अब जा रहे हैं चटनी बनाने के लिए, टमाटर का चटनी। देखिए देखिए लहसुन डाल दिए हैं, तेजपत्ता वगैरह भी डाल दिए इसमें, जीरा वगैरह जो भी है चटनी का आइटम, तो थोड़ा लाल होने देते हैं। मिर्चा देखिए लंबा लंबा रखे हैं, मिर्चा ज़्यादा छोटा नहीं किए हैं, लंबा ही है। प्याज भी डाल देते हैं इसमें, प्याज बहुत बारीक कटा हुआ है, ये दोनों के लिए काटे थे, चोखा के लिए भी और चटनी के लिए भी, दोनों ही काम में आ गया मेरा। ये देखिए दोस्तों अब जा रहे हैं टमाटर डालने के लिए इसमें, ये देखिए टमाटर भी डाल दे रहे हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ थोड़ा अलग वैरायटी बनाने में समय तो लग ही जाता है। अभी देखिए अभी एक बज चुका है और समय का कब पता चल गया, पार हो गया पता नहीं चला। देखिए पूरा दिन भी छा गया पूरा इधर, अब कुहासा भी हट गया, तब हम लोग तब तक हम लोग खाना ही बन जाएगा। ये बना रहे हम लोग टमाटर चटनी, लेकिन गुड़ वाला बना रहे हैं, गुड़ दे के बनाएंगे मीठा, इसको नमकीन नहीं कर रहे हैं, इसको मीठा बना रहे हैं आज हम लोग। दोस्तों ये देखिए गुड़ जो है ऐसे गोटा भी डाल देंगे गल ही जाएगा, लेकिन छोटा करने से क्या होगा कि थोड़ा जल्दी होगा। देखिए अभी गुड़ को काटा जा रहा है पूरा, अभी जान ही रहे तिल संक्रांत था तो बहुत अच्छा अच्छा गुड़ मिला था हर जगह पे, जामतला में मालूम रहता तो हम वहाँ से गीला गुड़ लेके आ जाते हैं, जो गीला गुड़ खाए थे हम लोग तिल संक्रांत में चूड़ा के साथ, उसका ही बहुत अच्छा बनता है। ये गुड़ अभी है, अभी और भी काटा जाएगा छोटा छोटा। दोस्तों टमाटर मेरा लगभग गल चुका है, ये देखिए अब जा रहे इसमें गुड़ डालने के लिए। गुड़ क्या है कि आज हम लोग मिठाई गुड़ हुआ कि मीठा खाने के लिए, इससे और भी गाढ़ा हो जाएगा एकदम। अभी गर्म है तो गुड़ भी पिघल जाएगा पूरा अच्छी तरह से एकदम उसमें। दोस्तों मेरा खाना बन चुका है, देख सकते हैं टमाटर चटनी है, ये आलू जो बच गया था रोटी में उसको, वो चोखा भी है। चले अब खाने के लिए, चटनी मीठा बना है। दोस्तों खाना खा के फिर हम लोग वहीं जाने वाले हैं होटल पे ही। दोस्तों अभी शाम के 5 बज गए हैं और आज हम लोग पंखा होटल में नहीं गए थे, यहीं पे गाड़ी अभी खड़े रखे थे, सोचे थे कि शाम में निकलेंगे, तो ऐसे भी अभी शाम हो गया। ये देखिए पूरा अंधेरा होने वाला है, अब निकलेंगे हम लोग गाड़ी लेके वहीं पंखा होटल ना। हाँ निकलेंगे अभी यहाँ से। और आज तो ट्रांसपोर्टर का कोई फोन भी नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, ना कंपनी से ना ट्रांसपोर्टर का। नहीं आज कोई कॉल वगैरह नहीं आया है अभी, कल तो संडे, कल तो और भी नहीं आएगा, कल छुट्टी का दिन है, तो जाते कल हम लोग संडे वही मनेगा हम लोग होटल पे ही। दोस्तों इस टाइप का ऑप्शन जो है ना, मतलब इस टाइप का जो काम आता है, गाड़ी कहीं खड़ा हो जाना नहीं होना, इस टाइप का अक्सर गाड़ी वालों के साथ होता ही रहता है, तो हम लोग पास यही ऑप्शन आ जाता है कि भाई गाड़ी खड़ा करो। क्योंकि अभी अभी एक हमको मिले ड्राइवर साहब, वो भी बोले कि मेरा 4-5 दिन से गाड़ी खाली नहीं किया था गुवाहाटी में, तो डिटेंशन लिए हैं तब जा करके हम वहाँ से निकले, वहाँ से सारा चीज़ बात वैसा होता है कि 4-5 दिन अगर खाली नहीं होता है जगह पहुँचने के बाद भी, तो भी मतलब डिटेंशन मिलता है हम लोगों को, तो ये सब चीज़ गाड़ी वालों के साथ चलते ही रहता है। दोस्तों देखिए आ गया हमारा पंखा होटल, अब तो लग रहा है यही हम लोग का घर हो गया ना, घूम फिर के शाम में आ जाओ घर। अभी पानी भरना पड़ेगा, ये देखिए ये वाला बाल्टी हम लोग खाली हो गया है, यहाँ पे नल है, भर लेते हैं पहले, ये रहा नल दोस्तों, यहाँ पे भर लेते हैं अभी पानी। पानी भर लिया दोस्तों, इस बाल्टी में भरे हैं, इसमें तो था पानी, अब जा रहे गाड़ी लगाते हैं हम लोग पीछे में। दोस्तों गाड़ी तो लगा दी है पार्किंग में, अब यहाँ पर बैठे बैठे यही हो रहा है कि बहुत दिन से बहुत सब पिक्चर वगैरह नहीं देखे हैं, मोबाइल में देख लेते हैं थोड़ा टाइम पास हो जाता है, कुछ ऐसा है कुछ कमेंट वगैरह भी पढ़ लेते हैं, तो यही समय मिला है। और ठंडा का समय देख सकते पूरा शीशा उसा सब लॉक करके हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो ठीक है दोस्तों जा रहे अभी कुछ पिक्चर वगैरह देखते हैं मोबाइल पे। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं, अब जा रहे खाना लाने के लिए, अब आज तो रात में फिर खाना नहीं बनाएंगे, अभी कुछ 2-3 आलू भर का रोटी बचा हुआ है वही खाएंगे और थोड़ा सा रोटी और सब्जी ले आ रहे हैं। सब्जी पार्सल ले जाना है, अंदर नहीं पार्सल ले जाना, पहले बताइए सब्जी पहले जो खाता है नहीं कुछ नहीं है तो वही दे दिए फिर। दोस्तों अभी खाना लेके आ गए, ये देखिए, और अभी यहाँ के यहाँ पे क्या है कि बस 4 ही सब्जी मिलता है, इसलिए यहाँ के होटल वाले बोलते हैं कि जो खाते हैं वही है और क्या है, तो देखिए मिल गया। और ये दाल तड़का ही लिए वही अच्छा लगता है, बाकी सब्जी नहीं उतना सही लगता है। अभी आ गए दोस्तों लेके आ गए हैं तड़का रोटी और वही जा रहे खाने के लिए। ये देखिए मेरा ये चटनी भी दिन का है, दोपहर का। दोस्तों खाना अपना हो गया, अब जा रहे सोने के लिए, यही है कि जब से यहाँ पर है टाइम से खाना टाइम से सोना, यही हम लोग का बन गया, अभी वही रूटीन चल रहा हम लोग का। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।